हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं अपने फोन से, तो आपको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा, और वो है जब भी आप अपनी फोटो, साइन या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो फिर वो नहीं होता है। आपसे जेपीजी, जेपीईजी फॉर्मेट में वो मांगता है फोटो को। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, यदि आप अपने फोन से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आ जाते हैं फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जेपीजी पीएनजी टाइप करके सर्च करना है और आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। और सेकेंड एप्लीकेशन क्यू रिड्यूस लाइट, आप इसे सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाएंगे। अब आपको क्यू रिड्यूस लाइट को ओपन करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप चूज़ फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो को ले लेंगे दोस्तों, जिसको आपको साइज़ में छोटा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, मैंने एक फ़ोटो ले ली है। देखिए दोस्तों, एक मैंने अपनी फ़ोटो ले ली है और अब मैं चाहता हूँ इसे कितनी केबी की बनाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी फ़ाइल साइज़ कितना है, 578.98 केबी का। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसे कितने केबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 20 KB से ऊपर और 300 KB से शायद नीचे मांगता है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। आप जितना उसमें आपको डायमेंशन दिया हो, आप उस पर उसके अंदर ही अंदर इसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं इसे 150 KB में इसे बनाना चाहता हूँ, तो इसे स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, और ये क्रिएट हो गई है, अब ये बन गई है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे गैलरी पे और यहाँ से चेक कर लेंगे, इसका साइज़ भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका साइज़ आपको दिख रहा होगा 147 KB। इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हैं ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ अपने फॉर्म फिलिंग में। दोस्तों, यहाँ पर इमेज, ये सेकेंड वाली जेपीजी पीएनजी वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और अब आपको सेलेक्ट फ़ोटो, इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों, आपको कोई भी फ़ोटो को जिसमें जिस भी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, जेपीजी में, जेपीईजी में, पीएनजी में, जिस भी फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, आप उसे सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो उस फॉर्मेट में बदल जाएगी। दोस्तों, एक प्रॉब्लम और आती है, जब आप अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो फिर वो पीडीएफ फॉर्मेट में मांगता है। उसके लिए दोस्तों, आप प्ले स्टोर से कोई भी पीडीएफ स्कैनर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे एडोबे स्कैन या अदर, आप जो भी करना चाहते हैं इसका, इसके थ्रू आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ अपने फॉर्म फिलिंग में कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।